अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मौलाना उमर साहब क्या हाल है? क्या वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मौलाना बात नहीं है हूँ। मौलाना, आवाज ही नहीं आ रही थी, दो मरतबा फोन किया पहले आपको। आवाज नहीं आ रही थी, मैं भी तो बोल रहा था, तभी तो मैंने किया अभी। हाँ हाँ चलो, तो चलिए, और माते अपनिया पर दावा पेश करें। देखिए इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी थी, लेकिन आप जो भाग रहे हैं, देखिए मैं भागा नहीं हूँ, हिदायत। तुम भागा। देख झूठ ना बोला कर यार, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ कर बात कर, झूठ ना बोल। अगर मुसलमान अपने को समझता है तो सच्चाई पे रह चलिए ठीक और है, अब इस दलील पर से मैं बात अगर कर। बहस करने जाऊँ तो रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, अभी हाँ मैं सीधा मुद्दे पे तो आता हूँ। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, सुनो नहीं, एक एक मिनट का उसूल बनाओ, एक मिनट मैं बोलूंगा, जब आप मेरे दरमियान में नहीं बोलोगे। दो दो मिनट पर बात होगी। पहले तुम दावा पेश करो, दावा पे दलील दे दो, फिर दो दो मिनट पे बात करो दलील पे। क्या, ये उसूल तुम अपने घर का मेरे ऊपर थोप रहे हो, अपनी एक मनमानी एक उसूल बनाकर। मैं दावा पेश चलो करूंगा, तुम जवाबी दावा पेश करोगे, दोनों के जब दावे और जवाबी दावे हो जाएंगे, चलो उसके बाद दलील की चलो, बात ठीक आएगी। ठीक है, चलो पेश हाँ, करो पेश लेकिन करो। दावा दावा और दावा पे दलील जवाब, पहले होता है, जवाबी दावा का बाद में, ये तो मालूम ही है दावा ना। और दलील की जो है वजाहत पूरी होने के बाद में दलील की बात आएगी। तुम अधूरी बात वजाहत पेश कर दोगे, फिर मुझसे नहीं, कहोगे, तुम अधूरी तुम्हारे बात का पेश करके जो है मुझसे कहोगे कि चलो अभी दलील पेश कर दो, तुम डर तो ऐसा भी नहीं डर होगा। अरे यार, डरता क्यों है दावा पे अरे दलील डर देने के तो लिए? तुम रहे डरता हो क्यों यार, है? आज कई मैं जमाने से कहाँ भाग रहे डरूं, हो, अभी दावा मेरी तुम्हारा कहानी होता भी है अवाम ना। को समझ में आ जाएगा, कौन डर रहा और कौन भाग हाँ रहा है ना। चलो शुरू करूं मैं अभी। दावा पेश कर। हाँ देखिए, मसला तो पहले बयान करने थे मेरे भाई, दावा जवाब दावा आएगा। देखिए सामईन हजरात, हनफी मजहब की मशहूर और मारूफ तो देखो ये सबसे गलत बात मोतबर। है, दावा पेश कर, ये गलत बात है, गैर जरूरी बात अरे नहीं मेरे भाई, किस फला। मसले के ऊपर दावा पेश किया जा तो रहा हम है? पहले तो भी मसला आप तो क्या अवाम और कसूर है आवाम के क्या सामने नहीं आने है? दे। अल्लाह नहीं, तेरा दावा जो अकबर, होगा उस पर ही अरे बात कितना होगी। बड़ा, कितने बड़ी जहालत कर रहे हो मौलाना उमर। दावा पेश करो यार, जो दावा पेश करो। हंसियत, हंसियत जो हंसियत का नाम जो है, जो मिट्टी में मिला रहे, का उसमें नाम जनाजा पूरी निकाल दुनिया रहे। में अरे चमक रहा है, उसकी फिक्र मत कर। मेरे भाई, हंसियत तुम कह रहे दावा हो कि पेश कर। डायरेक्ट दावा पेश कर, अरे किस मसले पर हमारी बात हो रही है? हाँ किस मसले पे मोहरमाते दावा पेश अब्दिया करा पर, पहले, वो वहां तो पे वो बयान सब करने समझ थे। जाएंगे। अरे मोहरमाते वो तो अब्दिया पर बयान दावा करना, हाँ पेश। तो मेरे को बयान करने दे, मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? जब ये हाँ तय चलो हो रहा है कि 2 मिनट मैं बोलूंगा, 2 मिनट तुम बोलेगा, तो फिर बीच में कुत्तों की तरह क्यों भोंक रहे हो मौलाना साहब? देखो, आ गए अपनी औकात पे ना, अरे मौलाना साहब अभी आ बोल गए रहा हूँ अपनी आपको औकात मैं, पे। अरे मौलाना ये साहब बोल तेरी रहा हूँ आपको औकात मौलाना यही है, साहब, तेरी फितरत यही लेकिन है। आप जो फितरत कर रहे हो, वो फितरत को मैं फितरत बयान कर रहा हूँ मौलाना साहब। फितरत कर रहे हो, फितरत कोई देखिए करता वो जो कुत्तों वाली जो है। तुम फितरत दिखा रहे हो ना मौलाना, मैं उससे कह रहा हूँ। अच्छा सर सर, देखो बहरहाल छोड़िए, तहजीब से आइए बात कर, आइए तेरी मौजू जो पर जुबान आइए, है मौजू पर गंदी, आइए। मुझे देखिए मालूम है सामईन हजरात, अंग्रेजों अंग्रेजों की आज जुबान है कई तेरी। जमाने ठीक से जो है ये चलो देवबंदी जो है उमर, इससे मेरी इस मसले के ऊपर कई मरतबा बात हुई, हमेशा जो है तू अधूरा भागा है, यानी दावा अंग्रेजों करके को उनकार भागा के है, भागा आज फिर है, जो आज है। भी अरे भागेगा, तो अधूरे दावे को एक एक घंटा वही बात आज पेश भी करता है, तो भागेगा, दावा सामने वाला तो फोन तो पेश करेगा ही ना, करेगा यानी ना। आज भी तो वही हरकत करेगा। मैं तो कर रहा हूँ, खामोश पेश कर, रहे। पेश पेश देखिए, कर। हिदायत जो हनफी मजहब की जो मशहूर और मारूफ और मोतबर किताब, कहने वालों ने, जाहिलों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुरान की मिसल है, उसके अंदर एक अरे यार बस मसला लिखा ये हुआ हो है। गया, ये इस पे ही बात करेगा? अरे हाँ इस पे बात कर, यार मतलब तेरी उमर तो जो क्यों बीच में कुत्तों की तरह गंदी भोंक रहा है फितरत यार? है, तो बात को तोल दे रहा है, मतलब डरा हुआ है, ये अरे बेचारा कहाँ डर सूट रहा दे है, रहा हो, अरे डरा कहाँ हुआ सूट दे रहा हो। अरे उमर तू मुझे बोलने देगा या असल नहीं, मुद्दे इतना पे बोल। आ ही नहीं रहा है। मैं तो खामोश असल हो गया, मुद्दे तू पे असल तो, मुद्दे पे अरे आते जब ही नहीं। तय हुआ है 2-2 मिनट का, तो मेरा 2 मिनट नहीं खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद तू बोलना। अब बोलने देगा उमर मुझे? अरे हाँ गैर जरूरी बात मत कर, चल बोल, यार देख, बहुत मेरे 2 मिनट में लंबी मैं मत कुछ भी कर। बोलूं, तेरे को क्या करना है? लंबी कोई चीज ना कर, सही से बात कर। उमर कसम खुदा की तेरे पर बहुत हंसी आती मुझे। हाँ मुझे मुझे रोना आता है तेरी हालत पर, तेरे जो दीन की अच्छा सुना भी, बर्बादी चल तुम लोग पे है, मुंह में ईमान। निपल हाँ ले, चल चल मुंह में चल चल निपल ले, चल, निपल बोल ले अभी, यार, तू मुझे बोलने बोलना दे। यार, क्यों देखिए सामईन इसका। हजरात, मुहरमात अब्बिया के ऊपर जो है हमारी कई मरतबा बात हुई है, ये हमेशा जो अधूरा दावा पेश करके भागता है, आज फिर ये मुझसे बात करना चाहता है। मैं पहले मसला बता दूं, हनफी मजहब की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने, किसी मर्द ने ऐसी औरत से निकाह किया जो इस पर हमेशा के लिए हराम है, यानी इससे कभी निकाह सही नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? निकाह सही नहीं हो सकता, इसके बाद इससे वती भी कर ले तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक इस पर हद नहीं है, अलबत्ता इसे कोई सख्त सजा दी जाएगी, बस बशर्ते इसने जानबूझकर ऐसा किया हो। हाँ,
और आगे क्या लिखा हुआ कि लेकिन इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम शाफी, इमाम मालिक अहमद और दीगर फुका ने कहा है कि इस पर हद वाजिब होगी, ये मसला है। और मेरा ये दावा है यहाँ पर कि इमाम अबू हनीफा ने जो यहाँ पर हद का इनकार करके जो ताजीर का जो हुक्म लगाया है ये गलत है। अरे यार तो अपना दावा पेश करना, हाँ दो तो गलत हो गया है। और मेरा दावा यहाँ पर ये है कि इस जुर्म के ऊपर जो है हद लगेगी और हद में ये सजा होगी कि उसकी गर्दन मार दी जाएगी। अब मैं उमर साहब से जो इस मसले के ऊपर उनका दावा जानना चाहता हूँ। चलिए उमर साहब अब अपना दावा पेश करिए। मैंने मुकम्मल कह दिया कि उस पर हद लगेगी और हद में ये सजा होगी कि उसकी गर्दन मार जाएगी। अब उमर साहब जो है अपने दावे में क्या सजा क्या पेश हाँ, करना चाहते हैं वो पेश आमुझ करें। आमुझ। दावा तो तुम्हारा है, दावा तो तुमने कर दिया, ठीक है। कर दिया ना मैं तो। हाँ हाँ तुमने दावा कर दिया। हाँ देखो तो अभी तुम सामीन, जवाब दो आपने जवाब पेश करो। देखा ये बहुत दिन से कई बार ये फोन पर ये पीटा हुआ है, मार खा के भागा है और हमेशा फोन काट के भागा, कभी पूरी बात नहीं करेगा। आज भी वैसे ही है, पूरी बात नहीं करेगा, डरा हुआ। देखो ये दावा पेश करने में इतना डर रहा था। इसका कहना है कि जो मरमाते अब्दिया से निकाह कर ले हुए, ठीक है, तो उसको हद लगेगी, हद में उसकी गर्दन मारी जाएगी, ये इसका दावा है। मगर इस पे ये दलील नहीं दे रहा, बहुत डरा हुआ पहले से, ठीक है। और हम इनकार करते हैं, हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल बैनतु अल मुद्दई वल यमीन अल मन अनकरा, कि जो मुद्दई होता है उसके जिम्मे दलील होती है, ठीक है, और जो इनकार कर दे उसके जिम्मे कसम खाना है। तो अगर ये अपने आप को अहले हदीस बोलता है, हदीस को मानने वाला बोलता है, तो इस असूल को मानेगा, ठीक है। हम कहते हैं उस पर हद नहीं है, लेकिन सख्त सजा दी जाएगी, ठीक है। हम हद का इनकार करते हैं क्योंकि शरीयत में हद का जिक्र भी नहीं है, और उसको जो है कत्ल करने का भी जिक्र नहीं, लेकिन ये झूठा दावा किया है। अभी ये दलील पेश करेगा तो पता चलेगा। तो मैं इससे कहता हूँ, जो इसने दावा पेश किया है कि उसको हद में कत्ल किया जाएगा, तो ये कुरान और हदीस से हद दिखाए कि हद में कत्ल किया जाएगा और उसको गर्दन मारी जाएगी, मुहर्माते अब्दिया से निकाह करने की वजह से गर्दन मारी जाएगी, ये दावा, ये दलील पेश करेगा। दो दलील ये पेश करेगा, हद की और उसको इस हद में गर्दन मारी जाएगी, ये दो दलील पेश करेगा सही हदीस से, ठीक है, कुरान से और सही हदीस से ये पेश करेगा। चलिए भाई, मैं तो तुम्हारे दावे पर इनकारी हूँ हाँ और चलिए बकौल देखिए हदीस। भाई मैं तो इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने दावे के ऊपर दलील नहीं दूंगा। ये कह रहा है कि मुद्दई के जिम्मे जो है दलील देना होगा, तो मैं इसका कहीं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने इससे शुरू से कहा, इससे पहले भी कई मरतबा मेरी इस चीज़ मसले के ऊपर बहस हुई है, लेकिन ये मुनाफिक की आदत दिखलाते हुए जो है मुनाफिक वाली हरकत करते हुए अच्छी बात बदतमीजी नहीं नहीं, करे। मैं बदतमीजी इससे नहीं, कई अच्छे से बात मरतबा करें, इससे कह रहा हूँ, बदतमीजी नहीं, मैं इससे बात कई करना है तो मरतबा कह बदतमीजी रहा करें। हूँ कि ये कह रहा है, अधूरी बात पेश कर रहा है कि इसके नजदीक जो है हद नहीं है, ये हद का मुनकिर है। वो तो हमें भी पता है कि तुम्हारा इमाम और तुम जो है पूरी शरीयत के ही मुनकिर हो, कुरान और हदीस के भी तुम मुनकिर हो। वो इंशाल्लाह अभी सब दलाइल की जब बात आएगी तो ये चीज़ वाजे हो जाएगी, हमें पता है तुम मुनकिर हो। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे नजदीक जो ताजीर है, ताजीर जो है जुर्म के एतबार से हाकिम वक्त तय करता है, तो यहाँ पर इस जुर्म पर तुम्हारे नजदीक क्या सजा है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। और अवाम के सामने मैं इस बात को लाना चाहता हूँ कि तुम्हारे नजदीक, क्योंकि ताजीर में तुम्हारे मजहब के अंदर जो है कम से कम 3 कोड़े भी है, तो क्या आप महरमाते अबिया से निकाह करने वाले को तुम अरे 3 कोड़े लगा के तुम छोड़ दोगे? अगर उमर देवबंदी जो है हकीम वक्त का अगर कोई खास दोस्त है, अगर उमर देवबंदी ने अपनी बहन या हाँ बेटी से अगर निकाह कर लिया, तो अगर हाकिम हाँ वक्त इसको 3 कोड़े मार के इसको छोड़ देगा तो क्या वो सजा मुकम्मल हो जाएगी? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस जुर्म के ऊपर, जैसे हनफी मजहब की किताबों में लिखा है कि ताजीर में जो है जुर्म के एतबार से हाकिम वक्त जो है सजा देता है, मैंने तेरे को दो हो मिनट गए से ज्यादा का वक्त दिया था, अगर तो कुछ कहाँ सेकंड बात दिया, मुकम्मल करने के लिए अगर होती है तो जरा नहीं खामोश दिया तो रहा दो कर। मिनट नहीं हाँ बोलते। तो जो ताजीर में तुम कौन सी सजा दोगे भाई, उसको क्लियर करो। जैसे मैं अलल ऐलान डंकी की चोट कर एकदम सराहत के साथ मैं बता रहा हूँ कि हमारे नजदीक जो है हद अरे हो होगी गया, और हद में तीन जो मिनट है उसकी खामोश गर्दन मार रहो, दी जाएगी। हाँ खामोश चलो रहो, बताओ ताजीर में क्या सजा है? खामोश रहो, अभी बोलना नहीं। देखो ये मुनकिरीन हदीस है, पता चल गया। इसको मैंने हदीस सुनाई,
अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल का तो मैं फरमान उसका है इनकार कर अल दिया, बैनतु अलल मुद्दई मैं वल उसका इनकार यमीनु ही नहीं अला किया। मन अनकरा। देखो हदीस पढ़ रहा हूँ तो भी ये हदीस पढ़ने नहीं दे रहा, इतना बड़ा दुश्मन है हदीस का, कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मुद्दई के ऊपर दलील है और जो इनकार करे उस पर कसम है, यानी मैं इनकार कर रहा हूँ तो ये मुझसे कसम ले सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझसे तकाजा नहीं कर सकता, हदीस में लिखा हुआ है। फिर भी मैंने कह दिया कि उसको हद में सख्त सजा दी जाएगी। अब ये ताजीर में कौन सी सजा है ये दूसरा मुद्दा है, ये दूसरे टर्म पे ये बात करेगा तो उस पर पूरी तफसील हम बताएंगे कि ताजीर में कौन कौन की सजा, कौन कौन सी सजाएं हैं, और उसमें कत्ल भी आता है, दीवार से गिरा के मारना भी आता है, बहुत सारी ताजीर में आती है, और उसको कैद करना भी आता है कि वो जिंदगी भर उसको कैद करो, बहुत सारी चीज आती है। ताजीर के बाद में बात करेंगे, बाद में पहले इस पे बात करें, इसने जो दावा किया है कि अगर ये इस्माइल अपनी माँ बहन से निकाह कर लेता है और ये जानता भी है कि ये गलत है, फिर भी ये निकाह करता है, ठीक है, तो इस पर हद होएगी, ये शरीयी तौर पर ये बताएगा और इसको, इसकी गर्दन मारी जाएगी, ये भी ये साबित करेगा, क्योंकि इसने हदीस का नाम लिया है कि इस शरीयत में ऐसा है, तो कुरान और हदीस से ये साबित करेगा इस तरीके की सजा, कि ये अपनी माँ बहन से निकाह नहीं करके हुआ दो अगर इस मिनट तेरा तरीके की सजा नहीं हुआ, ये भी एक ही चल रहा मिनट तो का। टाइम दे ही नहीं रहा, चल बोल दे तू चल बोल, अच्छा चल कर बोल, लेता तू कि मुझे नहीं टोक दिया, कर नहीं अब नहीं तू कर दावा पेश कर हदीस के मुताबिक, देखो ये तू दावा मुद्दई पेश के कर। जिम्मे दलील देने की जो बात कर रहा है, जो हदीस पेश कर रहा है, मैंने उसका इनकार ही नहीं कर रहा हूँ। जब दलायल की बात आएंगी तो अलहमदुल्ला सुम्मा अलहमदुल्ला, बेशक मैं दलील दूंगा, मैं तो उसका इनकार ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्यों बार बार वो चीज को लेकर आके जो वक्त को जाया कर रहा है, वो वक्त यानी रिकॉर्डिंग को लंबी कर रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, अब ये कह रहा है कि ताजीर, मैं कह रहा हूँ कि ताजीर में जो है सजा फिक्स नहीं जो शाम होती तक है ये भाई। कल ताजीर दे, कल दे, लिख लेना फिर। के अंदर जो है जुर्म के एतबार से, अब ये कह रहा है कि इसके मजहब के अंदर, हनफी धर्म के अंदर ताजीर में कत्ल करना, दीवार गिरा के मारना, ये वो फलाना ढिमका, मैं कह रहा हूँ कि हमारी बात चल रही है मोहरमा से अब्दिया से निकाह वाले, इस जुर्म के ऊपर ताजीर में क्या सजा दी जाएगी, ये पहले उसको बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान कर दे, मैं फौरन हदीस पढ़ के सुना दूंगा। चलो उमर साहब बोलिए। देखिए सामिन, आपने सुना, ये हदीस का भी मुनकिर है, ये कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह के रसूल का फरमान है अल बैनतु अलल मुद्दई, कि मुद्दई के जिम्मे दलील है, तो ये दलील दे क्यों नहीं रहा, जब इसने दावा कर जब दिया। दलील की बारी आएगी मैं वो दलील दूंगा खामोश ना, रहो, तेरा नहीं दा नहीं तू जवाबी दावा अभी यहाँ नहीं सराहत के साथ आया ही खामोश नहीं है। खामोश रहो यार, खामोश रहो, मैं तेरे टाइम पे नहीं बोला हूँ। तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिसने दावा कर दिया फिर दलील भी देवे, और ये मुझसे कह रहा है कि उस पर क्या ताजीर में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने कहा ना उसको सख्त सजा दी जाएगी, भी ताजीर के बाद में हम बाद में बात करेंगे, हमारा जो हदीस के क्यों मुताबिक बाद है में बात वल कर रही है, यकीन वाला मन तेरे अनकर, धर्म का हदीस जनाजा में ही है। निकल खामिश जाएगा इसलिए तो रहो, भाग रहा है तू उससे। नहीं खामिश रहो, खामोश रहो, हदीस अल्लाह के रसूल की हदीस ही बता रही है, वल यकीन वाला मन अनकरा, उस पर कसम है जो इनकार करे, तो ये मुझसे ज्यादा ज्यादा कसम ले सकता है, तो ये हदीस का मुनकिर हुआ कि नहीं, हदीस का इनकारी हुआ कि नहीं, एक तो ये मुद्दई होकर दलील नहीं पेश कर रहा है, दूसरे से तू वो दूसरी बात कर रहा है जो हदीस में नहीं है, हदीस में है क्योंकि तू कुरान व हदीस का ही मुद्दई है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि हदीस में है तो हदीस में क्यों नहीं मानता भाई, जो अल्लाह के रसूल कह दिया है कि उस पर सिर्फ कसम है कि भाई हद नहीं है, इस पर कसम खा लेंगे हम कि हद नहीं है, शरीयत में हद के कोई वो नहीं है, तो उस पर हम कसम खा लेंगे, तो तेरा दावा है कि हद है, हद में उसको गर्दन मारी जाएगी, तो ये तेरा दावा है, तू दावा साबित करेगा, अब दलील देना शुरू कर, ये दलील नहीं देगा, मेरा गारंटी है, मेरा दावा है दलील नहीं देगा डर के मारे, क्योंकि इसके देखिए पास है ही सामईन नहीं हजरात, दलील। मैंने इससे पूछा, आज ने कई साल से यह भाग रहा है क्योंकि इसकी हनफी धर्म का जनाजा निकल जाएगा। अगर इसने इस जुर्म के अंदर यानी ताजीर में क्या सजा दी जाएगी, इसके पूरे धर्म में लिखा हुआ नहीं है, इसके पूरे धर्म के अंदर बस गोलमोल। अगर कोई हाकिम वक्त का अगर खास आदमी है तो हाकिम वक्त को इख्तियार है कि जो इसके हनफी धर्म के मुताबिक उसको 3 कोड़े भी मार के छोड़ देगा। और पूरी इसकी हनफी कूफी नस्ल को चैलेंज दे रहा हूँ कि मोहरमाद अब्बिया से निकाह वाले जुर्म के ऊपर इसकी पूरी नस्ल कयामत की सुबह तक उस शख्स का कत्ल करना साबित करके दिखाता है। बीच में इसके एक मौलवी ने जो है ये झूठी एक वीडियो बनाई थी
कि तेरे हंसी धर्म के अंदर मोहरम आते अब्दिया से निकाह करने पर अगर खत लिखा है तो दिखा दे, मैं अपने अरे दो मिनट नहीं हुआ जो मक्करी मत कर, 2 मिनट हुआ नहीं है, 2 मिनट हुआ ही नहीं है, 35 हो गया, 35 के बाद 35 आता है मालूम है, जब तुझे गिनती नहीं मालूम है। अब ये देखो गैर जरूरी बात कर रहा है कि माते अब्दिया पर ताजीर क्या होगी, ये हमारे दावे पे आ रहा है, ठीक है, ये जबकि मैंने कहा ये दूसरे तरम की बात है, अभी तेरे दावे पे बात हो रही है जो तू दावा किया है कि मोरमाते अब्दिया पर कत्ल ही किया जाएगा और वो हद में किया जाएगा, तो ये दोनों तुझे साबित करना है तो साबित कर दे। तो मैं कहा इनकार कर रहा हूं, तो बात तो इनकार कर ही रहा है ना, भाग रहा है तो इनकार ही कर रहा है, जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है। इतनी वजाहत कर दे कि तेरे धर्म के अंदर ताजीर में क्या सजा लिखी है, मैं बिल्कुल हमने कह रहा हूं कि अंदर तेरे धर्म के अंदर ताजीर में क्या सजा है, ये बयान कर दे। मैं अभी अभी जो कत्ल की मैं दलील पेश कर दूंगा, गलत बात है, ये मेरे टाइम मारने वाली हदीस मैं अभी पेश कर दूंगा, मेरे टाइम पे नहीं, खामोश रहो, मेरे टाइम पे नहीं, ये तेरे रोने की निशानी है, तेरी शिकस्त भागने की निशानी है कि तू एक तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा तू अल्लाह के रसूल की हदीस भी नहीं मानता। देखो तहज्जुब की बात है, ये मुद्दई है कुरान हदीस का, और कहता है कि कुरान हदीस से हर चीज अमल करता है, लेकिन ये देखो खुद ही अपने दावे पे ये फेल हो गया कि ये कुरान हदीस नहीं मानता, जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस आ जाए तो उसको ठीक है। 2 मिनट नहीं हुआ, 2 मिनट 1 मिनट 45 पे 46 हुआ, 45 के बाद 46 आता है, 47 में 2 मिनट होता है, ठीक है। तो सामने आपने देखा अल्लाह के रसूल की जो हदीस है इसका भी मुनकिर है, इसने दावा जो किया वो दावा पे दलील पेश ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और जो इनकार करेगा उस पर कसम है, वल यमीन अल मन अनकरा, जो कसम खाएगा जो इनकारी है, तो यही कसम ज्यादा ले सकता हदीस के मुताबिक, कहेगा भी ताजीर में क्या है ये बता दो, तब ये दलील पेश कर गया, यानी इसका कोई दावे का मतलब ही नहीं है। चल दलील पेश कर। अच्छा चल मैं अभी चल तेरा मैं पूरा यहाँ पर जो है जनाजा निकाल देता हूँ, अब मुझे 2 मिनट नहीं, मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट का तू वक्त देगा, मस्त नहीं नहीं 2 मिनट फिर दूसरे बार में बोलना, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, नहीं नहीं ही क्या तू खुद तय किया 2 मिनट, 1 मिनट बोल रहा था, 2 मिनट तय किया, चल ठीक है चल 2 मिनट अभी पहले मेरे को टाइम देखने दे, तू मक्कारी कर, 45 हुआ है, चल 45 हाँ चल 47 हुआ, मैं सेकंड देख रहा था जाहिल की कहाँ 47 हुआ है, हाँ तो अभी रुक जा, अभी आप शुरू होगा मेरा वक्त, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, 12 पे काटा, हाँ देखिए सामाई नाजरा जो है शुरू में भी झूठ कहा था कि कहीं पर भी जो है फीस नहीं है कि जो है मोहरमात अफिया से जो है ये जो जुर्म करने वाले को जो है कत्ल किया जाएगा, उसकी गर्दन मार दी जाएगी, इसमें जो है एक इसका इमाम भी कुरान और हदीस के इल्म से यतीम और जाहिल के अंदर इमाम अबू दाऊद ने हदीस के बाब में हदीस लाए हैं, जो कोई अपनी मुहर्रम औरत से और 4456 अब हजरत हदीस पेश करते हैं कि हजरत बरा बिन आजिज से रिवायत है कि एक दफा मैं अपने गुमशुदा ऊंट ढूंढ रहा था कि ऊंट सवार या घोड़ों सवारों का एक काफिला आया, उनके साथ झंडा था, क्योंकि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मकाम हासिल था, इसी वजह से अरबी मेरे इर्द गिर्द घुमा फिरते थे, फिर वो एक कुब्बे पर आए, वहां से उन्होंने मर्द को निकाला, उसकी गर्दन उड़ा दी। मैंने इसके मुतालिक पूछा, देखिए यहाँ सामने हजरत गौर से सुनिए, मैंने इसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया इसने अपने बाप की बीवी के साथ में निकाह किया था, ये खबीस ने शरीयत के ऊपर कितना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया कि शरीयत के अंदर माँ बहन मोहरमात अब्दिया से निकाह करने वाले की गर्दन मारने की हदीस है ही नहीं, कहीं पर भी इसका हुक्म नहीं, इसने शुरू में कहा, ये रिकॉर्डिंग आप शुरू में सुन लीजिए कि शुरू में इसने दावा किया था शरीयत को, इसने झूठा बोहतान बांधा, अब इसके हंसी धर्म के अंदर छू कर इसके इमाम ने गलत फतवा दे दिया, जबकि इमाम की मुखालिफत करते हुए खुद इसके धर्म के दोनों इमाम के दोनों मशहूर शागिर्द इमाम मोहम्मद और यूसुफ और इनके साथ में इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक ने जो है हद के कायल है वहां पर इस जुर्म के ऊपर, इसके हंसी धर्म के अंदर जो है ताजीर का ये ढोल पीट रहा, ताजीर में क्या सजा दी जाएगी, ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसके हंसी धर्म के अंदर मोहरमात अब्दिया से निकाह करने को जो है इसके इमाम का यहाँ तक फतवा है, जिसको देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये निकाय हकीकी है, निकाय जबकि हिदायत ने खुद लिखा है
तीन मिनट हुआ भाई कि निकाह बातिल निकाह है। तीन मिनट हो गया, तीन मिनट जो है तीन मिनट धर्माते अध्याय वाले निकाह को हकीकी और सही निकाह मानता है। तीन मिनट हुआ है तेरा, तीन मिनट दाहिली की औलाद तेरा, तीन मिनट ज्यादा हुए मुनाफिक की औलाद में घड़ी में टाइम देख रहा हूँ, मतलब 15 सेकंड ज्यादा हुए तो बोलता तीन मिनट हुआ। खामोश रहे, अब बात कर इधर, खामोश रहे, खामोश रहे। हम माशाल्लाह ये डर डर के हवाले पेश कर रहा है, इसको मालूम है कि ये पहले भी यही हवाले दिया था, इस पर इसकी पिटाई हुई थी। ठीक है, अब इसने जो सुनन अबू दाऊद की हदीस दी है, सुनन अबू दाऊद की, इसमें दो हदीस है, हदीस 4456 और 57, दो हदीस है। इस हदीस में मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये ज़ईफ रवायत है, क्योंकि उसकी सनद और मतन में इस्तिराब है, इस्नादहु ज़ईफुन लि इस्तिराबिही। ठीक है, ये इस्नादुन ज़ईफुन लि इस्तिराबिही, उसकी इस्तिराब की वजह से, यानी वो सनद और मतन दोनों में इस्तिराब की वजह से ये हदीस ज़ईफ है। और इसने हद होने का इसमें कोई हदीस में जिक्र नहीं है, इसने हदीस पर झूठ बोला कि हद में उसको कत्ल किया जाएगा, ये दो झूठ बोला। इमाम अबू दाऊद के हद के बाद मेरा है, इमाम अबू दाऊद तो दूसरे भी वाकिया जो हद का नहीं है वो भी लाए हैं, तो उसमें हद मानेगा, वो भी पेश करूँ मैं। तो ये इमाम अबू दाऊद से हद मान रहा है, शरीयत का हद नहीं है, यानी कुरान हदीस से हद नहीं है, तभी ये इमाम दाऊद का नाम लिया है। माशाल्लाह ये साबित हो गया कि शरीयत में उसकी हद नहीं है, ये झूठ बोला। दूसरी, मेरे पास नीलुल अवतार इनके गैर मुकल्लिदों के इमाम है शौकानी, वो खुद कह रहे हैं कालल मुंजिरी वक़द इख्तलाफ फी हाजिहिल इख्तलाफन कसीरन। इमाम मुंजिरी जो बड़े अबू दाऊद के सारे हैं, वो खुद कहते हैं इस हदीस में बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, और उसूल मुहद्दिसीन है इस पर इजमा है कि इख्तलाफ अगर सनद या मतन में हो जाए, मतन या सनद में हो जाए इख्तलाफ, तो वो हदीस ज़ईफ होती है। दूसरा, मुझे तीन मिनट बोला था, मुझे भी तीन मिनट बोलने बावन हुआ है, बावन हुआ है, समझ जाना, बावन हुआ है। सबसे पहली बात तो ये हदीस जो है ज़ईफ नहीं है, अगर बिल फर्ज चलो मान ले बकौल इस जाहिल के, जो है मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी की किताब है उसूल फिका, जिसके अंदर वो एक उसूल लाते हैं कि हदीस ज़ईफ कयास के ऊपर जो है तरजीह दी जाएगी। नहीं हवाला पेश कर तेरे को, हवाला पेश कर, मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी की हवाला पेश कर, हवाला पेश, नहीं 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 वैसा नहीं, हवाला पेश कर, हवाला हवाला, ज़ईफ को भी जो है कयास पर जो है तरजीह दी जाएगी, ये हनफी मजहब का एक उसूल है, ये हनफी मजहब का उसूल है। ये इस जाहिल को भले नहीं पता होगा, मैं इसको हवाला भी पेश कर मैंने बता दिया, और स्कैन चाहिए तो मैं इसको दे दूंगा, दे दूंगा नहीं, दे दे अंदर के जो है हदीस ज़ईफ जो है कयास के ऊपर जो है उसको तरजीह दी जाती है, तो यहाँ पर इसका ये दावा भी बातिल हो गया कि जो है, और ये जो कह रहा है कि हदीस ज़ईफ है खुद जो है हिदायत की शरह के अंदर जो फतीहुल कदीर के अंदर यहाँ पर उसकी इसनाद को सही लिखा हुआ है, इसी तरीके से अबू दाऊद की एक मिनट दूसरे मंसूर सुनन अबी दाऊद जो है शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब यहाँ पर इस मसले को बयान करते हुए जो है लिखते हैं इस हदीस को कि इस मसले में तीन मजाहिब हुए हैं, इमाम अहमद बिन अम्बल का यानी कत्ल जैसा कि अलबाब हदीस के बाब में आया है। क्या कह रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल का यानी इस मसले के ऊपर मौकिफ यह है कि उसको कत्ल किया जाएगा, और क्या कह रहे हैं कि कत्ल करने की दलील क्या दे रहे हैं कि हदीस में आया है, और आगे फरमाते हैं इसी तरीके से इमाम मालिक शाफी और साहिबेन पर जो है हद्दे जिना है, हद्दे जिना के अंदर भी जो है यहाँ पर इमाम साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और इसके बाद लिखते हैं कि तीसरा है कि इमाम साहब का, इमाम साहब अबू हनीफा अल कूफी जो कुरान और हदीस के मैदान में इल्म से यतीम थे, उनका तीसरा यानी ये मजहब है कि इसे ताजीर दी जाएगी, लेकिन वहां पर भी ये क्लियर नहीं हुआ पाए, आज कयामत की सुबह तक मिलकर ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ताजीर में उसको क्या सजा दी जाएगी। ये है जाहिल, चल तेरा जहाजा दिखाएगा, भागमत इस्माइल लंगड़ा, भागमत दलील सुन, तूने जो कहा है
ज़ईफ हदीस क्यास से बेहतर है, ठीक है, ये तो उसूल मुहद्दिसीन है, अच्छी बात है, क्यास से बेहतर है। तो ज़ईफ हदीस सारे मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि ज़ईफ हदीस जो है हलाल और हराम में मोतबर नहीं है, हलाल और हराम में ज़ईफ हदीस मोतबर नहीं मानी जाती, क्योंकि हलाल और हराम का मसला बहुत संगीन है और दूसरा तो हद का मसला तो उससे ज़्यादा संगीन है। तो ज़ईफ हदीस जो है वो हलाल और हराम में नहीं मानी जाती, जब ये उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ है। और ये कह रहा है कि फला फला ने कहा इसकी सनद ज़ईफ है, इसकी सनद मतलब सही है, फला हिदाया का नाम लिया, फला का नाम लिया कि इसकी सनद जो है सही है। इसको घामड़ को यही नहीं मालूम है, जब मैंने इसमें कहा हूँ कि मुहद्दिसीन कहते हैं उसके इस्तिराब की वजह से ज़ईफ हदीस है, किस वजह से, इस्तिराब की वजह से, यानी उसकी सनद में जो रावी हैं वो ठीक है, जो इस्तिराब यानी सनद मतन में फ़र्क हो जाता है, हर हदीस में कोई हदीस में सनद उसकी अलग अलग है और मतन भी फ़र्क हो जाता है, तो उसको इस्तिराब कहते हैं। मुहद्दिसी ने कहा इस हदीस की सनद व मतन में इस्तिराब है, कभी रावी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है उसी के बारे में, तो उसको कहते हैं इस्तिराब, यानी वो फ़र्क है, ये सनद के जो रावी हैं उस पर उसकी वजह से नहीं ज़ईफ है, इस्तराब की वजह से ज़ईफ है, ठीक है, सनद मतन। और इसको यही नहीं मालूम है, ये कहता है सनद सही है, इसको ये मालूम नहीं कि इस्तराब की वजह से उसको ज़ईफ कहा गया है, ठीक है, ये दो बात हो गई। तो जो इसको यही नहीं मालूम, जब ये हदीस ज़ईफ है तो हद के बाब में कैसे ये काम आएगी। दूसरी बात, किसी भी उलमा ने इस हदीस की बिना पे ये नहीं कहा है कि मुहर्रमाते अब्दिया वाले को कत्ल किया जाएगा, बल्कि सबने यही कहा है कि चूंकि वो आदमी मुर्तद था, कौन, जिसने मुहर्रमाते अब्दिया से शादी किया था, वो आदमी मुर्तद हो गया था, ठीक है, इसको हलाल समझकर वो मुर्तद हो गया था, किसको हलाल समझ रहा था, मुहर्रमाते अब्दिया के निकाह को हलाल समझकर वो मुर्तद था। नीलुल अवतार अल्लामा सोकानी ने कहा है, यही लिखा है, वलकिन लाबुद्दा मिन हमल हदीस अला जानक रजुल लजी अमर बिकत्ल ही आलिम बतरीम फेलह मुस्तहिल नजाल का मिन मौजबात الكفر والمرتد يقتل الادلۃ الاتیۃ। इसका सोकानी कहता है कि ये हदीस जो है महमूल है इस बात पर जिसको अल्लाह के रसूल ने उसके कत्ल का हुक्म दिया था कि वो हराम को जानते हुए उसको हलाल समझ रहा था, ठीक है, वो समझ रहा था कि शरीयत में हराम है लेकिन वो खुद इसको हलाल समझा, इस वजह से वो मुर्तद हो गया, तो मुर्तद की सजा कत्ल होती है। ये किसका कह रहा है, अल्लामा सोकानी, आप ही जिन्हें तैमिया ने भी यही कहा है और सारे मुहद्दिसीन ने भी यही कहा है, इमाम अहमद बिन हम्बल और देगर मुहद्दिसीन ने यही कहा है कि वो हदीस जो है क्योंकि हदीस में भी कई हदीसों में ऐसा है कि उसका जो है खुमुस लिया जाएगा, यानी जैसे काफिरों से जंग करके उसका खुमुस लेते हैं, पांचवा हिस्सा लेते हैं, ऐसे इसमें भी उससे वो बात वो खुमुस लेने की बात कही गई है हदीस में। तो इसीलिए मुहद्दिसीन ने कहा उसको मुहर्रमाते अब्दिया के निकाह करने की वजह से कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वो मुर्तद हो गया था, मुर्तद था इसलिए उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया। और इमाम शाफई और जिसका ये नाम लिया इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ, तो मजे की बात है वो भी हद में कत्ल करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो जिना की सजा की बात कर रहे हैं, जिना में संसार करना है, ठीक है, जिना की सजा की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये धोखा दे रहा है, ये हदीस पर झूठ बोला कि हदीस में हद है कत्ल करने की, और ये कह रहा है कि हद का दिखाओ, तो हद का दिखा नहीं पाया, कहता है इमाम अबू दाऊद ने लिखा, यानी ये मानता है कि शरीयत में कुरान हदीस में हद का जिक्र नहीं है, ये मानता है। और इमाम दाऊद का वो हदीस तो बहुत सारी दूसरी हदीस लाए हैं जिसको हद से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो बस वो ले आए उसका उससे नहीं मतलब है, तो ये शरीयत से ना दिखा पाया। और ये फोन काट के देखो भाग गया, ठीक है, जब जवाब सुना मैं पूरे जुर्रियत विक्टोरियन को चैलेंज देता हूँ, कोई इस मसले पे बात नहीं कर सकता, और सब डरे हुए हैं, और ये भी डरा हुआ है, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको ताजीरन उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि शरीयत में इसका कोई हद नहीं है, इसकी हद नहीं बयान की गई है, जिना की हद है, ठीक है, शराब पीने की हद है, मगर इसकी कोई हद नहीं है कि इसको हद में क्या किया जाए। कोई मुहद्दिसीन इसको सारे ने जो कहा है कि उन्होंने जो कत्ल करने का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, उसको मुर्तद होने की वजह से दिया है, ना कि मुहर्रमाते अब्दिया से कत्ल करने की। तो
तो ये साफ पता चलता है कि इसमें हद नहीं है और उसको कत्ल करने का भी जिक्र नहीं है हदीस में।